प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है 10 मिनट विद द लॉर्ड। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ पता है? मुझे मालूम है, आपको पता है, लेकिन हमारे कुछ भाइयों को शायद नहीं मालूम। मैं आप सबको प्रेरित कर रहा हूँ प्रियो संगति करने के लिए, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं तो उन्हें पता नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। सो दैट्स व्हाट, कल के अध्याय में मैंने बात की थी, कल से मेरी तबीयत आज बेहतर है और बेहतर होती जाएगी, प्रभु सहायता करे। बोलने में ये जुखाम है ना चीज़ें। एनीवे, एक भाई ने मैसेज किया, आपने मंशे के बारे में ये नहीं बताया कि मंशे ने आगे जाकर अंगीकार किया, उसने अच्छा प्रभु पर विश्वास किया। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप हर अध्याय रोज पढ़ रहे हैं, तो जो अध्याय में लिखा है मैं उससे आगे नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ जो अध्याय में लिखा है वहाँ तक पढ़ रहा हूँ ताकि हम आगे पढ़ें। और अगर मुझे ऐसे ऐसे बताना की ज़रूरत पड़े तो बाइबल भरी पड़ी है, कभी कभी ये 10 के 20 मिनट कब हो जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन ज़रूरी है। आज का अध्याय थोड़ा छोटा है लेकिन ये थोड़ी आगे की कहानी है। मनशे राजा के साथ जो भी हुआ, मनशे के साथ, ये आगे के अध्यायों में जब आएगा जब हम ज़रूर सीखेंगे। तो आइए 22 अध्याय पढ़ेंगे, ये है दूसरे राजाओं की पुस्तक, यहूदा का राजा योशिया। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। कितना? 8 वर्ष, याद रखिएगा इस बात को। और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला उसी पर वह भी चला, और उसने ना तो दाहिने और ना बाएं ओर मुड़ा। ये बहुत खूबसूरत कहानी है योशिया के बारे में। अभी योशिया के बारे में हम बहुत सारी बातें आगे के अध्यायों में भी देखेंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, फर्स्ट किंग, सेकंड किंग, पहला शैमल, दूसरा शैमल में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अगर आपको ये पता है तो वो समझ में आएगा, वो पता है तो ये समझ में आएगा। इसलिए तीसरा पद, अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने असल्या के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, हिल्किया महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है उसको जोड़कर उन काम करने वालों को दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया है, फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें, अर्थात बढ़ियों, राजमिस्त्रियों और संगतराशों को दे, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए। परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। आपको नहीं लगता कि ये अध्याय हमने पहले पढ़ा हो? नहीं, ये और बात थी, अब कुछ और बात पढ़ रहे हैं। अब देखिए, क्या इनके पास ये व्यवस्थाएं और ये चीज़ें नहीं थी? लेकिन अब तक इनको कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, पर अब यहाँ पर राजा आया है और राजा उनको बता रहा है, योशिया, किस किस प्रकार से मंदिर की जो है साख संभाल होनी चाहिए, किस प्रकार से मंदिर की देख रेख होनी चाहिए। जिनके हाथों में पैसा है उनको पता नहीं पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, 8 पद में लिखा है, हिल्किया महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। मिली है मतलब पढ़ी थी, अब तक किसी को और को नहीं मिली। इसको क्यों मिली? क्योंकि ये खोजी था। आप में से कितनों को पवित्र शास्त्र बाइबल मिला है, परंतु क्या कभी कोशिश की है उनके पास, जिनके पास नहीं उनको पहुंचा दे? आगे लिखा है, तब हिल्किया ने शापान को पुस्तक दी और उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया, हिल्किया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर उसने हिल्किया याजक शापान के पुत्र अहीकाम, मिकाया के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों
के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। बड़ी खूबसूरत बात है, इन्होंने ये बात कह भी दी और सबको बता भी दिया, बोले जाकर बता दे, देख हमारे पुरखाओं ने बात नहीं मानी है और यह बहुत बुरी बात हो गई है, यहोवा की जलजलाहट हुई है इस बात के कारण। तो अब क्या करना है, आगे पढ़ते 14 पद। हिल्किया याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और अलसाया ने हुल्दा नबी के पास जाकर उनसे बातें की। वह उस शल्लूम की पत्नी थी जो तिकुआ का पुत्र और तहीस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो, यहोवा यों कहता है कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान को और उसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया, इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें पूछने को भेजा है उससे तुम यों कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और उसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे, तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है, इस कारण मैंने तेरी सुनी, यहोवा की यह वाणी है, इसलिए देख मैं ऐसा करूँगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कब्र को पहुँचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर डालूँगा उसमें से तुझे अपनी आँखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन्होंने लौट कर राजा को यह संदेश दिया। हालेलुया, मैं जब ये पढ़ रहा हूँ तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मैं बड़ा गंभीर लेता हूँ इस बात को कि यहोवा परमेश्वर, देखिए पुराना नियम है, इसका मतलब ही नहीं कि पुराना हो गया है, आज भी वैसी बातें हैं, पर कुछ बातों में यहोवा परमेश्वर ने हमें ना और आज़ादी दे दी है ताकि अब हम और बुद्धि और समझ के साथ परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। जो यहाँ घटना घटी है ये घटना साधारण नहीं है। जिसने अंगीकार कर लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, उसका जीवन बच गया। अब आपकी और मेरी बारी है। अगर आप और मैं नहीं सुधरेंगे तो भैया वाट लगने वाली है, पर शायद हमारे समय में नहीं। पता है क्या, बीती रात को मैं अपने एक अजीज से बात कर रहा था और उसे जानकारी नहीं है क्या होगा, लेकिन उसने कहा कि कुछ ना कुछ तो होगा पृथ्वी का। मैंने उसे कहा, एक बार परमेश्वर ने पृथ्वी को जल से नाश किया है। हाँ हाँ, सच में मैंने सुना था, बचपन में सुना था। फिर मैंने उसे बताया, मैंने, अब परमेश्वर पृथ्वी को आग से नाश करने वाला है। हाँ हाँ, एक एक दो दो डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक दो डिग्री पाँच डिग्री बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं उससे भी गंभीर बात, सीधे जैसे स्वर्ग से आग गिरेगी वैसे जो पृथ्वी जलेगी। वो समय है और वो पूरी वर्णन है जिस पर हम बात करेंगे किस प्रकार परमेश्वर पृथ्वी का नाश करेगा। ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि नाश किस प्रकार करेगा, ज़्यादा ज़रूरी ये है उस दिन से पहले क्या मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करके सर झुकाकर अपने आप को मान लूँगा, ताकि प्रभु वो दिन मेरे सामने ना दिखाए, मेरी आंखों के सामने ना दिखाए, मेरी संतान की आंखों के सामने ना दिखाए। वल दिन जब भी होगा अच्छा नहीं होगा, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, दोनों के लिए। अविश्वासियों के लिए तो वैसे ही वाट लगने वाली है, लेकिन विश्वासियों के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा है, प्रार्थना करो कि जाड़े के दिनों में वो बातें ना हो। पता नहीं इस बात के लिए है ना बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं, बट वी विल टॉक अबाउट इट, हम इस पर सीखेंगे। प्रभु हमसे बातचीत करें, हमें सिखाए। आओ दुआ करते हैं। प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे पीछे चलने में, तेरी मर्जी में और तेरी अगुवाई में आगे बढ़ने में मदद कर। सच्चाई से, अच्छाई से, तेरे वचन के अनुसार चलें। तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर हो। तेरा वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति और मार्ग है। बुद्धि दे, ज्ञान दे,
ये परिवार अब ये जन तेरी मर्जी के अनुसार चले, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। अमन, प्रेज द लॉर्ड, अगली सुबह फिर मिलते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, जय मसीह की। लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स, हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।